क्या सच में प्रार्थनाओं से मिलती है राहत, मंत्र दिला सकते हैं मोक्ष? हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान व सटीक तरीका है मंत्र जाप। यही कारण है शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता को मंत्र आदि के साथ साथ स्तुति व चालीसा आदि समर्पित है। इनमें किए उल्लेख के अनुसार ईश्वर की प्रशंसा में की गई स्तुति, हृदय से निकली हुई भावनात्मक संवेद का प्रस्फुटन प्रार्थनाओं द्वारा किया जाता है। हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा में मनुष्य ने सर्व प्रभुत्व संपन्न परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थनाओं के माध्यम से कुछ न कुछ मांगा है और दयालु परमात्मा ने भी कृपा करके अपने भक्तजनों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उन्हें वांछित वरदान दिए हैं। ऐसे अनेक चमत्कार विश्व की प्रत्येक भाषा व प्रत्येक साहित्य में भरे मिलेंगे। मंत्रों की दिव्य शक्ति से पापों का क्षय हो मात्र नितांत साधारण बात है। प्रार्थना आशीर्वाद अद्भुत चमत्कारी ढंग से काम करते हैं, यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित करने के दृष्टांत संत तुलसीदास के जीवन में मिलता है। जीवन में भी ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव आए कि डॉक्टरों ने मरीज को लाइलाज घोषित कर दिया, तब हमने दवाइयाँ छुड़वा दी, महामृत्युंजय के प्रयोग किए, ईश्वर की कृपा से आज वे जीवित हैं। यहाँ जाने हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख मंत्र व चमत्कारी मंत्र। ओम श्री कृष्णाय शरणम् या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नम। शांतिदायक मंत्र राम 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 ओम नम शिवाय ओम हन हनुमते नम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माधवन भूर्याभर भूरि भिरिन्द्र दित्ससि। ओम भूरिदात्यसि श्रुत पुरुत्रा शूरवृत्रहन आनो भज स्वराजसि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमं देव देव।